अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी सर आ रही है। जी, सीमेंट को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर्टी और सीमेंट को। तो ये सबसे पहले फाइनेस है कि सीमेंट की फाइनेस के बारे में हम देखते हैं कि सीमेंट के पार्टिकल जो हैं वो कैसे होते हैं। तो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो 95% जो हैं वो 45 माइक्रोमीटर से स्मॉल होते हैं, विद एवरेज पार्टिकल साइज 15 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है वो, माइक्रोमीटर का मतलब है 10^-6 मीटर। और जितना सीमेंट ज़्यादा फाइन होगा उतनी ही ज़्यादा उसका वाटर के साथ रिएक्शन में दौरान जो हीट होगी ना वो ज़्यादा रिलीज होगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगी। मतलब सीमेंट के पार्टिकल जितने ज़्यादा फाइन होंगे, ये माइक बंद कर दें यार अपना। सीमेंट के पार्टिकल जितने ज़्यादा फाइन होंगे, जितने ज़्यादा स्मॉल होंगे, उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी और उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा फाइन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करेगा फर्स्ट 7 डेज में सीमेंट। इसके बाद हमारे पास ये टेस्ट होते हैं, वैगनर टेस्ट है और ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट है और सीविंग है। ये हमारे पास सीमेंट की जो है वो फाइनेस मालूम करने के लिए, पार्टिकल साइज मालूम करने के लिए, सरफेस एरिया मालूम करने के लिए ये हमारे पास टेस्ट होता है। सरफेस एरिया के लिए हम ये ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। ये वाला जो अपरेटस है ये ब्लेन टेस्ट अपरेटस है और ये वाला जो है ये वैगनर है। ये जो ब्लेन टेस्ट है ये हम यूज़ करते हैं सीमेंट का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, पार्टिकल साइज वगैरह। ये जो कर्व शो हो रही है ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है सीमेंट की। ये उसका साइज गिवन है माइक्रोमीटर में और ये उसका मास गिवन है परसेंटेज में। तो ये अगर आप देखो कि 10 माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल इतने होते हैं 42%, 20 माइक्रोमीटर के पार्टिकल जो हैं वो ये 75% होते हैं और ये 2 माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल जो है हमारे पास 18-20% होते हैं। इसका ये मतलब है, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है सीमेंट की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साउंडनेस। साउंडनेस बेसिकली क्या होता है कि सीमेंट में जो लाइम और मैग्नीशिया होते हैं ना, ये इनकी एबिलिटी होती है कि ये अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जब ये अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं तो उससे हमारे पास क्रैकिंग आ जाती है। तो हमने क्या करना होता है कि इसको फिर हम टेस्ट करते हैं कि ये सीमेंट में क्रैकिंग आएगी या नहीं आएगी साउंडनेस की वजह से। इसको हम साउंडनेस कहते हैं कि साउंडनेस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ हार्डन पेस्ट ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। अब सीमेंट को हम अनसाउंड कह देंगे जब वो उसमें डिलेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंशन होगी। तो ये हमारे पास टेस्ट होता है जो कि हम ली चैटलियर अपरेटस है, ली चैटलियर वो अपरेटस हम यूज़ करते हैं और उससे हम सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट देखते हैं। बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि हम सीमेंट की एक्सपेंशन देखते हैं कि सीमेंट कितना एक्सपेंड कर रहा है। तो उसमें हमारे पास लिमिट होती है मिलीमीटर में कि अगर सीमेंट इतना एक्सपेंड कर जाता है आफ्टर सेटिंग तो हम कह देते हैं कि भाई ये सीमेंट जो है ना ये अनसाउंड है और ये जो है वो क्रैकिंग प्रोड्यूस करेगा। ये वो अपरेटस है जिससे हम ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। इसे कहते हैं ली चैटरियल अपरेटस, टेस्ट का नाम होता है ली चैटरियल टेस्ट। इससे हम सीमेंट की साउंडनेस फाइंड करते हैं। उसके बाद जिस तरह आपने सॉइल में भी एक कंसिस्टेंसी पड़ी होगी, अटरबर्ग लिमिट, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक लिमिट थी, शेकी लिमिट थी और लिक्विड लिमिट थी, सीमेंट की भी कंसिस्टेंसी होती है। सीमेंट की कंसिस्टेंसी क्या होती है कि रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ फ्रेशली मिक्स सीमेंट कैन पेस्ट टू इट्स एबिलिटी टू फ्लो।
कि हमने ऐसा कंसिस्टेंट फ्लूड बनाना है सीमेंट का जो कि इजीली फ्लो कर सके, उसको हम कंसिस्टेंसी बोल देते हैं। जैसे कि नीचे डेफिनेशन गिवन है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग द विकेट एपरेटस। इट इज डिफाइंड एट द परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड टू फॉर्म द पेस्ट विच अलोज अ पेनिट्रेशन ऑफ 10 ± 1 mm ऑफ द विकेट प्लंजर। इसका मतलब ये है कि आपने वो क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालनी है जो आप सीमेंट में ऐड करें और उसका पेस्ट बनाएं, तो जब उसको आप रखेंगे और उसमें प्लंजर जो है वो पुट करेंगे, तो प्लंजर जो है वो 10 mm उसमें पेनिट्रेट कर जाए, उसको हम कह जाते हैं कि वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपको 10 mm पेनिट्रेशन दे दे प्लंजर की। ये क्लियर है? ये अपरेटस है, यस सर। ये विकेट प्लंजर का अपरेटस है, ठीक है। ये प्लंजर है, यहाँ पे आप सीमेंट रखते हो और ऊपर से इसको, ओके ऊपर को इसको आप मूव करते हो, तो प्लंजर नीचे सीमेंट के साथ, सीमेंट में जो है इंजेक्ट होता है, तो इधर से पेनिट्रेशन 10 mm होती है। स्केल से आप, ये स्केल है, स्केल से आप पढ़ लेते हो रीडिंग, तो ये आपके पास वो बता देता है कि कितनी पेनिट्रेशन हुई है। अब इसी में सेटिंग टाइम होता है कि सीमर को जो सेटिंग टाइम है ना, वो हम इसी ऑपरेटर से निकालते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं कि जब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है कि इज़ द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट अंटिल द पेस्ट सीजेस टू बी फ्लूड एंड प्लास्टिक विच करिस्पोंड एट टू द टाइम एट विच द विकेट्स इनिशियल सेट नीडल पेनिट्रेट्स टू अ 0.5 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्पेशल मोल्ड। इसका मतलब क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा कि आपने स्टॉपवॉच पकड़नी है और आपने सीमेंट में जो है वो पानी मिक्स करना है, उस टाइम से आपने टाइम नोट कर लेना है, फिर आपने ऑपरेटर्स की तरफ आना है और आपने नीडल जो है ना उस विकेट ऑपरेटर्स की, उसको स्लाइड डाउन करना है, तो वो सीमेंट की पेस्ट में पेनिट्रेट करेगी। जब वो सीमेंट की पेनिट्रेट में 5 mm पेनिट्रेट करेगी जिस टाइम तक, वो टाइम आपने नोट कर लेना है, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। वो स्केल आपके साथ गिवन होता है, वो स्केल से आप जो है ना बॉटम से 5 mm और टॉप से 33 to 35 mm, जब इतनी वो पेनिट्रेशन हो जाएगी तो आप कह दो कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट का। ये जो है हम रखते हैं मिनिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स ये इनिशियल सेटिंग टाइम होता है नॉर्मल सीमेंट का। अब फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है कि जब आप उसमें ये देखेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पेस्ट टू एक्वायर सर्टेन डिग्री ऑफ हार्डनेस, जब आपकी सीमेंट जो वो हार्ड कर जाती है उसको हम सेटिंग टाइम कहते हैं। लेकिन कब हमें पता चलेगा कि सीमेंट हमारी हार्ड कर गई है? जब जो नीडल है उसमें बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करेगी और उस पर कोई इंप्रेशन भी नहीं आएगा सीमेंट पेस्ट पे, तो वो उसका हार्डनेस का टाइम होगा जिसको हम फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। और ये जो है ये 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो है फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का वो 10 आवर होता है। और सीमेंट में जिप्सम का भी रोल ये है कि अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम वो ज़्यादा जल्दी ना हो जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्लिंकर जब बनता है तो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है जिससे वो जल्दी सेट कर जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं। जिप्सम जो है वो उसकी हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है सीमेंट को, और वो उसको जल्दी सेट नहीं होने देता, तो जो सेटिंग टाइम होता है उसको ये इंक्रीज कर देता है जिप्सम जो है। ये वही विकेट नीडल है जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में यूज़ होती है। ये वो स्केल है जिससे आप उसकी पेनिट्रेशन को मेजर करते हैं कितनी पेनिट्रेशन हुई है। अच्छा, अब ये ग्राफ है जो कि आपको टाइम ऑफ सेट बता रहा है डिफरेंट सीमेंट्स का। ये टाइप 1 सीमेंट है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4, टाइप 5, और ये जो है वो टाइम बताया गया है। ये ब्लू वाली जो है ये इनिशियल है, इनिशियल सेटिंग टाइम, और ये वाला जो दूसरा कलर है ये फाइनल सेटिंग टाइम को बता रहा है।
अब इसमें वो ये बता रहा है कि जो टाइप वन सीमट है ना विकेट मेथड से, उसका टाइम ऑफ सर्व जो इनिशियल है वो इतने मिनट है और जो फाइनल है वो ये इतना है। इसी तरह टाइम टू का भी बता रहा है, टाइम थ्री, टाइम फोर, टाइम फाइव का भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल टाइम थ्री, टाइप थ्री जो सीमट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 90 मिनट्स होगा और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो ये 200 मिनट से कुछ ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इसको एक उसने टेंटेटिव वैल्यू दे दी है बताने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। उसके बाद सीमर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। सीमर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो आप जो है कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, 50 mm के क्यूब्स बनाते हैं आप और उसको आप मशीन में रखते हैं और वो आपको उसकी वहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है इन चीज़ों पे कि इसमें एग्रीगेट करेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे एग्रीगेट आपने यूज़ किए हैं, कंक्रीट मिक्सचर्स पे डिपेंड करती है, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर पे डिपेंड करती है और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे करती है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बता रहे हैं। ये जो है वो क्यूज बनाया हुआ सीमेंट का, ये आपको वो बता रहा है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट उसकी सीमेंट की, टाइप्स की, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। जैसे कि अब हमारे पास ये टाइप फोर की एग्जांपल हम ले लेते हैं ये वाली, तो वो कह रहा है कि आपका जो 5 दिन के बाद इतनी स्ट्रेंथ डेवलप होगी ये 40%, और ये 28 डेज के बाद आपकी टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी 100%। इसी तरह टाइप फाइव का भी है और टाइप वन का है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो शुरू में डेवलप हो रही है वो टाइप थ्री की हो रही है, जिसको हमने हाई अर्ली स्ट्रेंथ का नाम दिया था। हाई अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब ही ये है कि शुरू में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा गेन होगी। ये आप देख रहे हैं कि शुरू की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा है। बाकी हीट और हाइड्रेशन का आपको बताया है कि जब सीमर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उसमें आपके पास हीट जनरेट होती है, जिसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इसको हम मेजर करते हैं कैलोरी मीटर के साथ, और इसमें ज़्यादा रोल होता है सीमेंट की फाइननेस। जितने ज़्यादा सीमेंट के छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हीट डेवलप करेगी और उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। ये वो कैलोरी मीटर दिखाया हुआ है, इससे आप हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो मेजर करते हैं। ये हीट और हाइड्रेशन की वैल्यूज़ है, वैसे ये आपको वैसे ही बताने के लिए है कि नॉर्मल कितनी हीट जनरेट होती है, मॉडरेट सीमर कितनी होती है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ की 370 kJ/kg होती है हीट जनरेट। लो सोन इग्निशन जिसे हम LOI भी बोलते हैं, ये हम फाइंड करते हैं इस टेस्ट के साथ ASTM C114 के साथ हीट। और ये हमें लो सोन इग्निशन जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं इससे। बेसिकली हाई वेट लो सोन इग्निशन ऑफ अ सीमेंट सैंपल बिटवीन 900 to 1000 degrees centigrade इज एन इंडिकेशन ऑफ प्री हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन विच मे बी कॉज बाय इम्प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग स्टोरेज एडल्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफर। ये जो हमारे पास सीमेंट के मटेरियल में लोस आ जाता है ना उस ड्यूरिंग जब हम उसको 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम उसको हीट करते हैं उसके रॉ मटेरियल्स को, तो उसको हम कहते हैं लो सोन इग्निशन। तो इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं 0 to 3% कि इतना सीमेंट में जो है ना वो लॉस हो गया है ड्यूरिंग इग्निशन, 0 to 3%। उसके बाद डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट आ जाती है। डेंसिटी का आपको पता है कि सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1440 kg/m³, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सीमेंट की है वो 3.15 हम ले लेते हैं।
ये उसने मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ वैल्यू, लेकिन केजी पर मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब सीमर की डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 3.15 है। अब सीमर को स्टोरेज, सीमर को हमने मॉइस्चर से बचाना होता है और एटमॉस्फेयर से, तो इसको हम प्रॉपर जो है वो स्टोरेज करते हैं, क्योंकि सीमर जो है अगर वो मॉइस्चर में पड़ी रहे तो उसमें सीमर के बैग में लम्स बन जाते हैं जिसे हम ढेले कहते हैं, तो वो फिर हम सीमर यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सीमर को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसकी हम प्रॉपर जो है वो स्टोरेज करते हैं। सीमर इज़ मॉइस्चर सेंसिटिव मटीरियल, इफ़ कैप्ट ड्राई इट विल रिटेन इट्स क्वालिटी इनडेफिनेटली, तो हम सीमर को ड्राई रखने की कोशिश करते हैं। ये देखें कि सीमर जो है वो फ्री ऑफ लम्प्स होना चाहिए, उसमें ढेले नहीं बनने चाहिए। ढेले कब बनेंगे? जब सीमर जो है वो मॉइस्चर सीमर के साथ रिएक्ट करेगा। ये उन्होंने स्टोरेज ऑफ सीमर की हुई है उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए। चले मैं अब अटेंडेंस लगा लेता हूँ आपकी।